ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए अनेक ऐसे स्थल जो देश और दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करती है, वह भी इस लोकसभा सीट में स्थित है। यहां का अन्नदाता किसान अपने परिश्रम के लिए जाना जाता है, तो मां यमुना की कृपा भी इस क्षेत्र पर बराबर बरसती है। ऐसी पावन धरा को नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, आज हम सब पूरे देश के अंदर लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव प्रचार अभियान का हिस्सा बन चुके हैं। हम सब जानते हैं कि चुनाव की याद आते ही तमाम लोग अपने अपने तरीके से इसकी विवेचना भी करने लग गए हैं, लेकिन पूरे देश के अंदर जहां कहीं भी हमें जाने का अवसर प्राप्त हो रहा है, एक चीज साफ दिखाई दे रही है, और उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, चारों ओर एक आवाज है। लोग ये मानते हैं, लोगों की तमन्ना भी है, आम जनमानस की भावना भी है कि चुनाव में एक ओर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन है, और चुनाव परिणाम के बारे में लोग पहले से आश्वस्त हैं। दूसरी ओर वे लोग हैं जो दल को तो मिलाना चाहते हैं, लेकिन उनके दिल ही नहीं मिल पा रहे हैं। आप देख रहे होंगे इंडी गठबंधन में जो लोग हैं, इन लोगों की स्थिति आप देख रहे होंगे वेस्ट बंगाल में। टीएमसी ने अपने सभी प्रत्याशी दे दिए, कांग्रेस के लिए एक भी सीट नहीं छोड़ी, लेकिन इतनी गठबंधन का हिस्सा है। केरल में कम्युनिस्टों ने कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं किया, लेकिन वह इंडी गठबंधन का हिस्सा अपने आप को कह रहा है। ऐसे ही महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिल रहा है, और ऐसे ही अलग अलग क्षेत्रों में जब इनको प्रत्याशी नहीं मिल पा रहे हैं, तो सपा का प्रत्याशी कांग्रेस में जा रहा है, कांग्रेस का सपा में जा रहा है, और तब जोड़ तोड़ करके किसी प्रकार से ये लोग चुनावी अखाड़े में अपना दांव आजमाने का कार्य कर रहे हैं। आपने देखा होगा पूरे देश के अंदर लोग आश्वस्त हैं, और आश्वस्त इस बात के लिए भी है क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्य पिछले 10 वर्षों में हुआ है, ये चुनाव उन कार्यों की प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए भारत की जनता जनार्दन के द्वारा फिर तीसरी बार मोदी जी को आशीर्वाद दिया जाना है, और इसके लिए जनता भी आश्वस्त है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी फिर से तीसरी बार सरकार बनाएगी, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। बहनों भाइयों, आज पहला चुनाव है 18वीं लोकसभा का, जिसके परिणाम के बारे में जनता स्वस्थ है। बस हमारी तैयारी क्या होनी है कि हमारा प्रत्याशी कितने अधिक वोटों से लीड लेकर के देश की संसद में पहुंचता है, इसकी तैयारी के लिए हर लोकसभा सीट में एक नई प्रतिस्पर्धा खड़ी हुई है। मैं जिस क्षेत्र में जा रहा हूं, जिस भी क्षेत्र में जा रहा हूं, अब तक मैं लगभग 25 लोकसभा सीट को कवर कर चुका हूं, और मैंने एक चीज देखी है, जहां भी मैं जा रहा हूं लोग मुझे एक बात कह रहे हैं साहब, हमारी बढ़त 3 लाख से प्रारंभ होकर के आगे जनता जनार्दन का आशीर्वाद जहां तक मिल जाए वहां तक हम लेके जाएंगे,
चुनाव हम लोग चुनाव जिता करके अपने प्रत्याशी को भेजेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं, हर एक ओर से यही आवाज आ रही है। और इसीलिए मैं आपके पास आया हूं कहने के लिए, बहनों और भाइयों, यह आवश्यक भी है, यह आवश्यक भी है। आपने बदलते हुए भारत को देखा है, हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि बदलते हुए भारत को देख रही है। ये नया भारत है, और ये नया भारत ही नहीं बल्कि हम अपने आंखों से विकसित भारत का तस्वीर भी हम देख रहे हैं। विकसित भारत एक ऐसा भारत होगा जिसमें नौजवान के हाथ को कार्य होगा, हर खेत को पानी होगा, हर व्यक्ति हर परिवार के लिए उसकी जरूरत की आवश्यकता है उसके घर तक उपलब्ध होगी, एक सुरक्षित माहौल में पूरे देश के अंदर उत्सव जैसा माहौल होगा। उस प्रकार का वातावरण प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत के अंदर बनने की स्थिति पैदा हुई है, और उसी के लिए आपका आह्वान करने के लिए मैं आया हूं। लोग कहते हैं क्या ये संभव है? बहनों और भाइयों, 2014 के पहले के भारत को भी आप देखते थे, जो असंभव था उसे ही संभव बनाने के लिए मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं। जो लोगों के लिए था कि ये नहीं हो सकता है, मोदी जी ने उसी को संभव बनाया है। कोई एक स्कीम आप उठा के देख लीजिए, वैश्विक मंच भारत के सम्मान का प्रश्न था, जो काम 60 वर्ष तक कांग्रेस नहीं कर पाई, मोदी जी ने 10 वर्ष में वह काम करके दिखाया। आज दुनिया के अंदर 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान बढ़ गया। भारत की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए दावे बड़े बड़े होते थे, दुश्मन देश तब भी भारत की सीमाओं में घुसने का दुस्साहस कर जाता था। आज क्या कोई भारत की सीमा के अंदर घुसपैठ कर पाएगा? क्या आज नहीं कर सकता है? उन्हें मालूम है घुसपैठ की कीमत कैसे हम चुकानी, कैसी चुकानी पड़ सकती है। यह सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक ने साबित करके दिखाया है। बहनों भाइयों, आंतरिक सुरक्षा की स्थिति किस प्रकार से बेहतर हुई है? ये कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करके, नक्सलवाद की समस्या को समाप्त करके, पूर्वोत्तर के उग्रवाद की समस्या को समाप्त करके हम देख चुके हैं। और देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, एक्सप्रेस हाईवे, रेलवे, 4 लेन और 6 लेन की कनेक्टिविटी, मेट्रो, एयर कनेक्टिविटी, ये सभी के साथ साथ जिन जिलों में मेडिकल कॉलेज नहीं वहां मेडिकल कॉलेज, जिन राज्यों में IIT नहीं वहां IIT, जहां IIM नहीं वहां IIM, जहां पर एम्स नहीं वहां एम्स, ये सभी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। आपने देखा होगा ये नए भारत की नई तस्वीर,